जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत आभार है। गीता के द्वारा बताए गए वो संकेत सात कि हमारे जीवन में अच्छे दिन आने से पहले हमें ये सात संकेत मिलते हैं। ये सात संकेत कौन से हैं, कैसे हैं, इन सभी पर इस 3 मिनट 18 सेकंड के वीडियो में हम बात करेंगे। और इसे जानने के बाद आप ये जान पाएंगे कि आपके जीवन में अच्छे दिन, अच्छे क्षण, अच्छे पल अब ज़्यादा दूर नहीं हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे आप बहुत दिनों से कमेंट्स कर रहे थे कि पंडित जी आप इस विषय पर एक अलग से वीडियो बनाएं। मैंने सोचा शायद आपके लिए एक अलग से इस विषय पर वीडियो बनाया जाए। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको सही और सकारात्मक जानकारी प्रदान की जाए। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अभी कोई तकलीफ या परेशानी से गुजर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। उसका फीस लागू है दोस्तों, ज्योतिष परामर्श आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि गीता में वर्णित आपको एक शब्द पता होगा या एक वाक्य हमेशा पता होता है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। लेकिन हम इस वक्त और इस दुनिया में जो हैं वो कर्म पर कम ध्यान देते हैं और फल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला संकेत है कि जब भी आपके मन में अपने कर्मों के प्रति, अपने कर्म जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण समर्पण का भाव जागृत हो जाए। अर्थात जैसे होता यह है कि कई बार हम दूसरों की राय से चलते हैं कि भैया आप ऐसा कर लो, भैया आप ऐसा कर लो, दीदी आप ऐसा कर लो, और हम वैसा करते जाते हैं और बस वैसे चलते जाते हैं। पर जब हम खुद हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस से चीज़ों को समझते हैं और चीज़ों पर चलना शुरू हो जाते हैं तो सबसे पहला संकेत है दोस्तों कि आप समझ जाइएगा कि आपके आने वाले जो दिन हैं, आने वाले पल हैं, वो अच्छे हैं। क्योंकि इस गलती का और इस कर्म के दोषी हम स्वयं होंगे, न कि हम किसी अन्य के मार्गदर्शन में चलें। मार्गदर्शन होना चाहिए, लेकिन ये युग में मार्गदर्शन कम और लोग उपयोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए पहला संकेत हमेशा याद रखना। दूसरा संकेत है कि जब भी हमारे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे पल आएंगे, तो वैसे अच्छे लोग हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। पर शर्त यह है कि अच्छे लोगों की जो पहचान होती है वो हमेशा आपसे निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं। उनका भाव आपसे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, अन्यथा नहीं तो मतलब का भाव हुआ, आप भी दुखी हो गए, वो भी दुखी हो गए। तो दूसरा संकेत ये हमेशा समझना। तीसरा संकेत है सपनों में मंदिरों के दर्शन होना। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि सपनों में पुराने मंदिरों के दर्शन होना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े सकारात्मक परिवर्तन की और हम आगे बढ़ रहे हैं। चौथी बात है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्हें जिनके साथ हमने बचपन में देखे हैं, खेले हैं, बड़े हुए हैं, अगर वो पूर्वज हमारे सपनों में आते हैं तो पहली बात तो उनका आशीर्वाद है। इसे पितृदोष की ओर आप बिल्कुल ना समझें कि हमें पितृदोष है तो इस तरह के सपने आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो पूर्वज आपके सपने में आ रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आपके आने वाले दिन उनका आशीर्वाद है और उनकी कृपा से आपके आने वाले जो दिन हैं वो पॉजिटिव और सकारात्मक हो सकते हैं। पांचवा चीज़ होता है सपने में कई बार शिवलिंग के दर्शन होना। अगर शिवलिंग के दर्शन होते हैं तो ये भी एक शुभ संकेत है जिससे कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। तो इसके अलावा दोस्तों है अपनी माँ के दर्शन करना सपने में, अगर माँ के पिता के दर्शन करना, ये बहुत ही सकारात्मक चीज़ें हैं अच्छे दिन आने के लिए। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओम नमः शिवाय।